एक वाकया पेश आया इंडिया में, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें कहा जा रहा है हजारों लोगों ने, जो लोअर कास्ट लोग थे, उन्होंने अपना रिलीजन छोड़ के उन्होंने बुद्धिज्म का ओथ ले लिया। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। मैंने कहा है ऐसे इतनी बड़ी संख्या में। अगेन आई ऑलवेज से कि इंडिया में जो भी चीज होती है ना वो ज्यादा ही होती है। तो जरा ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने बड़ी मेहनत से सबटाइटल्स लगाए हैं। आई होप कि वो सबटाइटल्स भी ठीक थे, क्योंकि मैंने अंग्रेज ऑडियंस को भी ये प्ले करना है। मैंने कहा मैंने प्ले किया या नहीं किया, शायद नहीं, आई थिंक आई हैवंट प्लेड इट यार, लेकिन उसको भी प्ले करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है वो क्यों मजहब छोड़ देते हैं। उनके लिए इस्लाम जैसा मजहब भी एक्सेप्टेबल होता है, उनके लिए क्रिश्चियनिटी जैसा मजहब भी एक्सेप्टेबल होता है, उनके लिए बुद्धिज्म भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जरा देखिए कि किस तरह की यहाँ पे सेरेमनी हो रही है, और वो प्रॉपरली ओथ ले रहे हैं, विच इज टू मी, टू अगर आप मेरे से पूछें, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। मेरे नजदीक एक्सप्लॉयटेशन ही है लोगों की। लेकिन जैसा सूनम महाजन जी ने कहा कि इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और इट्स ट्रू, ये टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन है। जरा देखिए जरा इस वीडियो में। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए दस पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। व्यभिचार एक वर्ड मुझे बड़ा मजे का लगा, लालन पालन नहीं करूंगा। पॉइंट इसमें ये है नोट करने का, कास्टिज्म जो है वो इतनी, जब आप किसी भी लोगों को देखें, मैं बड़ा सिंपल सा फलसफा मैं हमेशा बताता हूँ कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा होता है ना, जो जुल्म लोगों के साथ, उसके लिए वही जुल्म सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे अगर मेरा हाथ मशीन में आ जाए ना, तो मेरे लिए इससे बुरी और चीज कोई नहीं होगी, कोई और तकलीफ नहीं होगी मेरे लिए। हालांकि और लोगों के दो हाथ भी आ सकते हैं, टांगे और हाथ भी आ सकते हैं, उनके साथ और बड़ा जुल्म हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए वो मैटर करेगा जो मेरे लिए, जो जो तकलीफ मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो ये वो लोग ये शो करते हैं कि वो इतना तंग आ जाते हैं जो उनके साथ जो जुल्म होता है उससे, वो तंग आके वो किसी भी मजहब में जा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली के आउट ऑफ फायर इनटू फ्राइंग पैन काइंड ऑफ थिंग, कि आपको आपको किसी इज्म में जाने की क्या जरूरत है। वैसे लोग कहेंगे एथियज्म भी इज्म ही है, लेकिन एथियज्म इज टेक्निकली इज लैक ऑफ एवरी इज्म एज फार एज गॉड इज कंसर्न्ड। इट्स अ लैक ऑफ एवरीथिंग। यानी ये ऐसे है कि गंजा होना हेयर स्टाइल नहीं होता,
लेकिन यू कैन कॉल इट अ हेयर स्टाइल इन अ वे कि हाँ भाई है तो आपकी जो अपीयरेंस है आपके सर की उस तरह की कि आपने कौन सा स्टाइल रखना. तो ये आई थिंक इट्स टाइम फॉर उन सारे अपोलोजिस्ट के लिए जो ये बहाने कहते हैं ना, ये कोई कास्टिज्म नहीं है जी हमारे ऐसी कोई, एवरीथिंग इज फाइन, नहीं ये वरना है ये पोर्चुगीज लाए थे, नहीं नहीं ये तो सिर्फ ये उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो जॉब ड्यूटीज होती थी, नहीं ये वही यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो आप बोलते हैं कि वर्ड जो चमार जो वर्ड है उसका कितना हैवी वर्ड है. इवन यू पीपल रिकग्नाइज इट द सो कॉल्ड अपर कास्ट और हम पे ठोक देते हो. हमें तो मार में वो चीजें नहीं थी, ऑब्वियसली हमें वो नहीं था पता. अगर आप किसी काले को किसी अंग्रेज को बताएंगे कास्टिज्म का, अंग्रेजों को समझ ही नहीं आती कास्टिज्म क्या होती है क्योंकि उनके कल्चर में ये चीज नहीं है और उनको वो बुरी भी नहीं लगती, उनको समझ ही नहीं आती क्योंकि उनकी है ही नहीं वो चीज. तो जिसके ऊपर जो चीज बीतती है उसको वही चीज बुरी लगती है. तो एनीवे ये मैंने कहा चलें ये आपके सामने रख दूं. डेविड टेक्सटर से कह रहे हैं होप कि बुद्धिज्म के बाद एथियस बन जाए, लेकिन ये मुझे बेचारे सीधे साधे लोग लग रहे थे, बेचारे गांव के लोग थे जो ऑब्वियसली इतने, अगर कोई बंदा आया उसने कोई ब्रेन, उसने उनको बताया कि देखें जी आपके साथ बड़ा गलत काम हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उसने कहा चलें जी मैं अपनी हंडिया पका लूं बीच में, चलें जी आप मेरे धर्म में गौतम बुद्ध के उसमें आ जाए, तो ये भी एक तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ही है. सो आई कांट एंडोर्स दैट कि आप लोगों को बताएं कि भाई कोई ऐसी चीजें नहीं है, लोग भीड़ भक रही हैं. आप लोगों को मजहब के डर से बताएंगे कि मैं जी लालन पालन नहीं करूंगा या मैं एडल्टरी नहीं करूंगा या चोरी नहीं करूंगा, तो मजहब के डर की वजह से ही उनको ये समझ आएगी कि हम ये काम जो है चोरी डाका जो है गलत काम है वो नहीं करेंगे. यू कैन अराइव एट दोस कंक्लूजंस विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट इवन एनी इज्म. ये इसका ताल्लुक आपकी किसी डॉक्ट्रिन से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी इंसानियत से है और वो इंसानियत आपके अंदर किसी भी तरीके से डाली जा सकती है, बल्कि डाली के जा सकती है, समझाई जा सकती है, और बल्कि समझाने के ये हमारे अंदर इनेट बायोलॉजिकल फीचर्स है हमारे अंदर. ये जो साइकोपैथ होते हैं उनके अंदर ये नहीं होते. अब बता दो किसी साइकोपैथ को, चाहे बुद्धिस्ट की गौतम बुद्धा की आइडियोलॉजी सिखा दें या इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखा दें या हिंदुइज्म की प्यारी प्यारी बातें सिखा दें, उसको नहीं समझ आएगी क्योंकि वो अपने इंपल्स का गुलाम होगा जो साइकोपैथ होगा, और वो हर चीज का लालन पालन करेगा. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.